सोलन में जेबीटी कर रहे विद्यार्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जेबीटी प्रशिक्षुओं का हक बीएड कर चुके युवाओं को दिया जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है। वे इसके खिलाफ काफी समय से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए मजबूरन आज उन्हें हड़ताल करनी पड़ी। सोलन में जेबीटी कर रहे विद्यार्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जेबीटी प्रशिक्षुओं का हक बीएड कर चुके युवाओं को दिया जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है। वे इसके खिलाफ काफी समय से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मजबूरन आज सड़कों पर उतरकर हड़ताल करनी पड़ रही है। धरना प्रदर्शन कर रहे जेबीटी प्रशिक्षुओं ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें छोटी कक्षाओं को पढ़ाने की विशेष शिक्षा दी जाती है और 2 सालों से वह छोटे बच्चों को पढ़ाने में बिल्कुल निपुण हो जाते हैं, लेकिन अब ये फैसला आया है कि बच्चों को बीएड कर चुके युवा भी पढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये निर्णय बिल्कुल गलत है और जेबीटी प्रशिक्षुओं के हितों के खिलाफ है, इसलिए वे जब तक ये निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। हमारी मांग है कि हमें हमारा हक चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे 2 साल बर्बाद करके यहाँ पे जेबीटी की ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, ठीक है, पर ये अधिकार हमको नहीं मिल रहा है। बीएड वालों को इसके लिए एलिजिबल कर दिया गया, जो सही चीज नहीं है। हमारा बेस क्या है, 12th बेस पे हम लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है। 2 साल की हमारी ट्रेनिंग है, उसके बदले और हम लोग को ट्रेनिंग मिलती है 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने की, ठीक है। हम 2-2 महीने 3-3 महीने टीपी पे जाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, एक साथ हम 5-5 कक्षाएं पढ़ाते हैं, ठीक है। और हम लोग को मिलती है 2-3 क्लासों को पढ़ाने की ट्रेनिंग, तो बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ अलग चीज़ है। छोटे बच्चों को पढ़ाना और बड़ों को पढ़ाना बहुत डिफरेंस है, ठीक है। बड़े बच्चों को पढ़ाना इजी है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, और हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, हमको बच्चों को हैंडल करना सिखाते हैं, पढ़ाना सिखाते हैं, तो इसके लिए ट्रेनिंग हमें मिली जाती है, फिर वो कैसे बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, ये तो गलत है। या तो ट्रेनिंग बंद कर दो, जेबीटी बंद कर दो, फिर उन्हीं को सारे राइट्स दे दो। हम चाहते हैं बस हमें हमारा हक मिल जाए। हमें यहाँ अगर ठीक है, अगर उनको बीएड वालों को अगर आप सीट्स दे रहे हैं तो उसके पीछे रीजन होता है। सीट सब दो जब यहाँ पे टीचर्स नहीं है, जेबीटी ट्रेनिंग नहीं है, जब जेबीटी ट्रेनर वाले इतने सारे बच्चे यहाँ पे सबको छोड़कर आए हैं, तो जब वो हैं तो इन केस में तो हमको ही मिलना चाहिए। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं की जाएगी, हम लोग स्ट्राइक करेंगे। आज हमने एक दिन डाइट बंद की है, हम हफ्ते भर नहीं जाएंगे, अगर फिर भी नहीं सुनेंगे महीने भर नहीं जाएंगे, हमने छोड़ देना है। अब जेबीटी की पोस्टों के लिए बीएड वालों को वहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं, 2 साल यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। अगर डीएड और बीएड को इक्वल करना है तो हम लोगों का टाइम यहाँ वेस्ट क्यों कर रहे हैं। अगर बीएड वालों को जेबीटी में डालना है तो हम लोग यहाँ पे बीएड क्यों करवा, जेबीटी क्यों करवा रहे हैं। मैनेजमेंट ने पहले बात की, शिक्षा मंत्री से मिले, सीएम से मिले, लेकिन वहाँ से हमें सिर्फ आश्वासन मिला। हम नहीं चाहते कि बीएड वालों को जेबीटी में वहाँ पे डाला जाए, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन कुछ और है, हमारी कुछ और है। हम लोगों को प्लस 2 के बेस पर यहाँ पर भेजा गया और उनको ग्रेजुएशन के बाद आते हैं वहाँ पे, और क्योंकि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। और ये जो एनसीटी की जो नॉर्म्स है उसमें कहा गया है कि जो विशेष स्थिति है, विशेष परिस्थितियों में जो बीएड वालों को जो है जेबीटी में रिक्रूट किया जाएगा, बट विशेष परिस्थिति यहाँ पे जब है ही नहीं। यहाँ पे 26,000 से 30,000 प्रशिक्षु अवेलेबल है, तो क्यों यहाँ पर ऐसी परिस्थिति आ रही है कि हम लोगों की जगह बीएड वालों को रिक्रूट कर रहे हैं।